अपराध अन्वेषण शाखा एक की पुलिस टीम ने अलग अलग एरिया से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 18 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। बरामद हुए नशीले पदार्थ की कीमत 50,000 रुपए बताई गई है। इस मामले में जानकारी देते हुए प्रभारी मलकीत सिंह ने बताया, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया के निर्देश पर नशा तस्करों के साथ ही अन्य आपराधिक किस्म के लोगों की धरपकड़ के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आमजन अमन चैन से रह सके। विशेष तौर पर नशे ने कई युवा वर्ग की जिंदगी को बर्बाद किया हुआ है, अनेकों घर तबाह होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में नशे के कारोबार में तस्कर माफिया मोटा मुनाफा कमाने में लगे हुए थे। इन पर कड़ी कार्रवाई करने को लेकर दो टीमों का गठन किया गया था। पहली टीम में सब इंस्पेक्टर शरणजीत सिंह, जसबीर, हेड कांस्टेबल भजन, प्रवेश, संदीप की टीम को लाडवा एरिया में भेजा गया। लाडवा एरिया में छापामारी के दौरान जानकारी मिल गई, एक युवक नशीला पदार्थ लेकर बेचने के लिए ग्राहकों के इंतजार में जिंदल पार्क के आसपास मौजूद है। मामले की भनक लगते ही मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुलाया गया। इनकी देखरेख में टीम ने घटनास्थल की नाकाबंदी कर दी। पुलिस टीम को एक युवक के चाल चलन पर शक हो गया। युवक को काबू किया गया। तलाशी लेने पर 8 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। गिरफ्त में आने पर उसने अपना नाम सौरभ पुत्र अशोक वासी लाडवा बताया। इसी तरह ही दूसरे मामले में एएसआई सुधीर, सुखदेव, हेड कांस्टेबल पवन, संदीप, प्रवीण, चालक विक्रम को भी बाबैण की तरफ रवाना किया गया। ये टीम बीच रास्ते में अनेकों गांवों के एरिया में दस्तक देते हुए बाबैण पहुंची। छापामारी करते हुए गांव गुड़ा के नजदीक पहुंची। इसी दौरान इस टीम को जानकारी मिल गई, शाहबाद का रहने वाला एक युवक अपने साथ नशीला पदार्थ लेकर बेचने के लिए बस अड्डे के नजदीक मौजूद है। उक्त युवक किसी वाहन के इंतजार में खड़ा हुआ है। इसे गिरफ्त में लेने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुलाया गया। टीम ने शक के आधार पर बस अड्डा गुड़ा के नजदीक खड़े युवक को काबू कर लिया। तलाशी लेने पर 10 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पूछताछ पर उसने अपना नाम सरदूल सिंह पुत्र स्वरूप सिंह वासी सैदोवाला मोहल्ला शाहबाद मारकंडा बताया। दोनों आरोपियों के खिलाफ लाडवा बाबैण थाना में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों को पेश कर अदालत में पुलिस टीम लेकर गई है। क्या कहते हैं प्रभारी मलकीत सिंह? पिछले काफी समय से एनडीपीएस को लेके और आर्म्स एक्ट व अन्य लोकल एंड स्पेशल लॉ के संबंध में टीमें गठित करके धरपकड़ का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हर रोज अलग अलग अचीवमेंट्स हो रही हैं। जिसमें कल हमारी टीम ने जिसमें एसआई सरनजीत, प्रोवेशनल सब इंस्पेक्टर जसवीर सिंह, प्रवेश, संदीप, इनकी टीम ने लाडवा में पार्क के पास से एक लड़का है सौरभ, उसको 8 ग्राम स्मैक, जिसको हीरोइन भी बोलते हैं, उसके साथ उसको काबू किया। विधि अनुसार सारी प्रोसेस अडॉप्ट करके उसको गिरफ्तार करके और आगे वो किससे लेके आया था और पहले कहां से ला रहा था, क्या काम कर रहा है, कब से कर रहा है, इस सारी चेन का पता लगाया जाएगा, उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। इसी प्रकार से एक अन्य मामले में 10 ग्राम स्मैक, जिसको हीरोइन भी बोलते हैं, स्मैक का वो एक अक्यूज्ड पकड़ा है सरदूल सिंह, उसको गुड़ा बस अड्डा जो अंतर्गत बबैन थाने के आता है वहां से उसको काबू किया है, जिसमें हमारे एएसआई सुधीर और एएसआई सुखदेव की टीम ने इसमें ये काम किया है और इसको वहां से काबू करके और विधि अनुसार सारी प्रोसेस अडॉप्ट करके गिरफ्तार किया है। कहां से लेके आया था और कब से काम कर रहा था, कौन कौन इसमें शामिल है, इस सारी चेन का पता किया जाएगा, जो इसको कोर्ट में पेश करके रिमांड किया जाएगा। खबरनामा हरियाणा के लिए राजेश भारद्वाज की रिपोर्ट।